Did your guy on the bottom floor call? प्रियंका जी, अजय लल्लू जी, मोना मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी, विजय पासी जी, राधेश्याम जी, दीपक सिंह जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, नईम अहमद जी, लालजी देसाई जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, प्रदीप सिंघल जी, पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारी बहनें आई हैं, आपका भी आज यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज यहां वापस आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपने जो प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्रियंका ने अपने भाषण में हमारा और आपका जो रिश्ता है उसके बारे में बोला। उन्होंने आपको याद दिलाया कि जब हम छोटे थे, हम पिता के साथ, राजीव जी के साथ यहां अमेठी आते थे। मुझे याद है, आजकल यहां पे पक्की सड़कें हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे सड़कों का जाल, नेशनल हाईवे का जाल फैलाया है, मगर उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है, हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है, ये सालों पुराना रिश्ता है और ये सच्चाई का रिश्ता है। ये झूठा रिश्ता नहीं है। जो हम आपसे कहते हैं, दिल की बात हम आपसे करते हैं, चाहे वो प्रियंका हो, मैं हूं, मेरे पिता हो, दादी हो, परदादा हो, दादा हो, सच्चाई का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मगर हमारा पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है और ये आगे भी बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। तो हमें ना झूठ बोलना है, ना हमें झूठ की जरूरत है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जब मैं यहां एमपी था, हमने जबरदस्त विकास का काम आपके साथ किया। मैंने अभी आपको बोला, सड़कों का जाल, चाहे वो पीएमजीएसवाई रोड हो, सीआरएफ हो या फिर नेशनल हाईवे हो, आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, अमेठी में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अमेठी से निकलते हैं और इसका आपको जबरदस्त फायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी फायदा होगा। FDDI, HAL, BHEL, राइफल की फैक्ट्री,
ट्रिपल आईटी, ये सब काम हमने आपको करके दिया। रेलवे स्टेशन, नई रेलवे लाइन हमने करके दिया। प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे स्वयं झूठे वायदे किए। छोटा सा उदाहरण देता हूं, उन्होंने कहा कि AK-203 की फैक्ट्री बीजेपी ने दिलवाई। सबके सामने, पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैक्ट्री दिलवाई। प्रधानमंत्री आगे झूठ कह जाते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक रिश्ता है आपके साथ, उनका पारिवारिक रिश्ता आपको छोड़ो किसी के साथ नहीं है। किसी के साथ नहीं। आप देखिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। सुनिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया, योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया, कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि हम वो आपने देखा वो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आपने आंखों से देखा आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। आपको याद होगा जब नरेंद्र जी छोटे थे उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी। मुझे तो लग रहा था तैरना ही नहीं आता, वो अलग बात, मुश्किल से मतलब हाथ फैला फैला के। खैर, देखिए आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं, हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मैंने सच्चाई के साथ
जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू के छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में तीन गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में तीन गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की, मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं देश के हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ, सच्चाई या झूठ, हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है, वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके दिल में डर ही डर होगा, जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में बाकी लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो बाकी दुनिया से गले नहीं लग सकता, वो हिंदुत्ववादी। हिंदू सबसे गले लगता है, हिंदू किसी से नहीं डरता है, हिंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं,
ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं, याद है? पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता है नहीं झूठ बोल रहा है नरेंद्र मोदी, झूठ बोल रहा है। ये तीन कानून हमारे हित के लिए, हित के नहीं है, ये तीन कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने ये बोला। एक साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है खालिस्तानी, झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, हिंदू या हिंदुत्वादी। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीन कर हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाई। गलती नहीं थी भाइयों और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है? प्रेशर, प्रेशर, दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता, हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए, जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके, हिंदुत्ववादी। गांधी जी रोए नहीं थे, तीन गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला। ये होता है हिंदू, ये होता है हिंदू। तो मैं यहां क्यों आया, मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। यह टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता, मैं आपको बताता हूं। प्रियंका ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, तीस पैंतीस साल पहले मैं यहां पिता के साथ आया, सालों से हम यहां आए हैं। 2004 में जब मैं पहली बार एमपी बना, आपके आशीर्वाद से एमपी बना, आपके प्यार ने मुझे एमपी बनाया। आपने मुझे अपना प्यार दिया है, आपने मुझे राजनीति सिखाई है, आपने मुझे, सब ने मिलकर रास्ता दिखाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह पारिवारिक रिश्ता है, कभी नहीं टूटने वाला है। बस एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, झूठ और सच, झूठ और सच में आप फर्क पकड़िए। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस बात को आप पहचानिए और सच्चाई के साथ आप खड़े होइए। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद, सच या झूठ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, सच या झूठ?
दो लाख रुपए मिल गया, हिंदू या हिंदुत्वादी? नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीएसटी दी, जीएसटी से छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला, सबसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को फायदा मिला। कोरोना के समय प्रियंका ने बोला सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स माफ किया लाखों करोड़ रुपए, और जब मजदूरों ने, अमेठी के मजदूरों ने बस टिकट मांगा, ट्रेन का टिकट मांगा, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं तुम्हें हम ट्रेन का टिकट, बस का टिकट नहीं दे सकते, पैदल चलना है तो चलो, ट्रेन और बस में चलना तुम्हारा हक नहीं है। सच्चाई है, हमने मदद करने की कोशिश की, हमने बसें लगाई, चलने नहीं दी। ऑक्सीजन की बात प्रियंका ने करी, छत्तीसगढ़ की सरकार से हमने कहा कि अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, आप भेजिए, उन्होंने भेजा। नरेंद्र मोदी जी ने, यूपी की सरकार ने राजनीति की, आपको मरने दिया मगर ऑक्सीजन नहीं दिया। यह है सच्चाई भाइयों और बहनों, इसको आप पहचानिए, आपके साथ कौन खड़ा है, कौन आपको सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसको आप पहचानिए। आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, अमेठी की जनता आज यहाँ पे बैठी है, बहुत देर से ठंड में हाथ समेटे बैठे हैं, आज आपके बीच में आपका बेटा और आपकी बेटी आए हैं, हाथ उठाकर ताली बजा करके आशीर्वाद भी दीजिए और स्वागत भी कीजिए। मैं केवल आपके बीच में धन्यवाद देने आई हूँ और नमन करने आई हूँ अमेठी की जनता का। ये वो जनता है जिसने राजीव जी से लेकर, सोनिया जी से लेकर, राजीव जी का, राहुल जी का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप धन्य हैं जो ऐसा प्रतिनिधित्व आपको मिला। बगल की विधानसभा है मेरी, हम सब चाहते हैं एक फैक्ट्री यहाँ पे आ जाए, पर कांग्रेस पार्टी ने एक दर्जन से फैक्ट्रियां ला करके अमेठी की जनता को सौगात के रूप में दी है। जब हवाई जहाज उड़ता है तो हम टकटकी लगा के देखते हैं, अरे धन्य है आप लोग, आपको हवाई जहाज देखने की जरूरत नहीं है, फुर्सतगंज ला करके अमेठी की धरती पर अगर किसी ने रखा है तो कांग्रेस ने रखा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे कि विकास क्या जो सूरज उगा था कांग्रेस पार्टी के राज में, वो कुछ समय के लिए अस्त हुआ है। सच विचलित हो सकता है, सच कभी परास्त नहीं हो सकता। अब फिर विकास का सूरज आपके बीच में है, आशीर्वाद दीजिए और अमेठी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा अगर कोई वापस ला सकता है, कोई पहचान वापस ला सकता है, तो राहुल जी के हाथ से और प्रियंका जी के हाथ से ही वापस लाया जा सकता है। आज आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन प्रियंका जिंदाबाद, बहन प्रियंका जिंदाबाद, राहुल
भैया जिंदाबाद।